तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कार्बिन रिएक्शंस। यहाँ पर कार्बिन रिएक्शन देखेंगे। इससे पहले बच्चों हमने जनरेशन के एक दो वीडियो में बात किया, जनरेशन की कुछ रिएक्शंस की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। यहाँ पर आगे बच्चों रिएक्शंस में चलते हैं। कार्बिन की रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कार्बिन क्या बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज है। इससे पहले वीडियो में हमने डेफिनेशन की और कुछ बेसिक रिएक्शंस की यहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे, मेन फोकस डालेंगे इंसर्शन रिएक्शंस की। कुछ वीडियो में इंसर्शन रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ली हुई हैं इंसर्शन की। तो बच्चों यहाँ पर हमने आइसोटोपिक लेबलिंग भी की हुई है। ड्यूटेरियम लगाया हुआ है, Cl है। तो यहाँ पर बच्चों दो रिएक्शंस ये लिखी हुई हैं, एक रिएक्शन बच्चों ये लिखी हुई है और एक रिएक्शन ये लिखी हुई है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, सेम रिएक्टेंट हमने लिया है लेकिन यहाँ पर बेस चेंज कर दिया, पी एच सोडियम और पी एच एन ई लिया है बच्चों, और यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड लिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों बेस चेंज करने की रिएक्शन सेम से आएगी। आपको पहले आगे बढ़ने से पहले बच्चों पोज करके यहाँ पर खुद से थिंक करना है क्या पॉसिबल है। पी एच एन ई ले रहे हैं या हम फिनाइल सोडियम ले रहे हैं या सोडियम मिथॉक्साइड ले रहे हैं, तो इन दोनों बेस में क्या सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, क्योंकि रिएक्टेंट तो सेम है और दोनों कैसे हैं बच्चों, हम जानते हैं सोडियम मिथॉक्साइड भी बेस है और ये भी बेस है। तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा, तो बच्चों थोड़ा सा इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा पहले ट्राई कर लो पोज करके कि रिएक्शन का आप क्या थिंक करते हो, क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, क्या सेम प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में या डिफरेंट बनेंगे। तो बच्चों आगे इन दोनों का कंपैरिजन बता दूं मैं। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है मिथॉक्साइड में बच्चों, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे क्या होगी बच्चों, लेस बेसिक होगी। लेस बेसिक क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगी, रीज़न क्या रहा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर स्टेबल एन आयन है, मोर स्टेबल एन आयन है। मोर स्टेबल एन आयन क्या होते हैं बच्चों, लेस बेसिक होते हैं। यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, फिनाइल एन आयन है, ये फिनाइल एन आयन मोर बेसिक एज सी इज नॉट इलेक्ट्रोनिगेटिव लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जैसा नहीं है ये। तो ये कहने का मतलब कि क्या हुआ बच्चों, और जो ये फिनाइल सोडियम हो गया ये क्या हो गया, स्ट्रोंग बेस हो गया। रीजन समझ में आई होगी, स्ट्रोंग बेस क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये लेस बेसिक हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इनकी लेस बेसिक होने से क्या रिएक्शन पर क्या डिफरेंस आएगा, वही हम देखने यहाँ पर वाले हैं बच्चों। तो सोडियम मिथॉक्साइड हम ले रहे हैं, तो सोडियम मिथॉक्साइड इतना स्ट्रोंग बेस नहीं है कि इस डी को उठा ले, इस डी को ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले, खाली ये क्या कर रहा है, बेस इस प्रोटॉन को पिकअप कर रहा है और सी एल लीव आउट कर रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। जिस समय सी एल लीव कर रहा है उस समय एच जो है बच्चों इसको पिकअप कर रहा है एकदम से, मतलब बेस प्रोटॉन उठाने का मतलब एन आयन जनरेट हो जाना, एच प्लस को उठा के ले गया और एन आयन, वो सिचुएशन सोडियम मिथॉक्साइड में नहीं बन सकती। रीजन क्या रहा बच्चों, ये लेस बेसिक है, जैसे कि हमने देखा लेस बेसिक क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एन आयन जो है ऑक्सीजन पर बेस्ड बेस है, ऑक्सीजन पर एन आयन है और उतना बेसिक नहीं रहेगा, तो ये ड्यूटेरियम को नहीं उठा सकता, ये एच को नहीं ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग बेस ये नहीं है। जबकि हमने देखा है बच्चों पी एच एन ई क्या है, ये सफिशेंट बेस है, सफिशेंट बेस है, तो क्या कर सकता है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग जो भी एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्योंकि यहाँ पर सी एल लगी हुई है, सी एल लगे होने से ये ड्यूटेरियम क्या होगा, मोर एसिडिक हो जा रहा है, ये इस पूरे कंपाउंड से क्या है, लार्ज एसिडिक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब दूसरों के कंपैरिजन में ये क्या है, मोर एसिडिक है, दूसरों के कंपैरिजन में ये प्रोटॉन मोर एसिडिक है। तो अब ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एन आयन जनरेट हो गया, एन आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम मिथॉक्साइड बच्चों क्या था, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डी को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, बल्कि इसने क्या किया, एलिमिनेशन रिएक्शन की है। जबकि यहाँ पर बच्चों जो फिनाइल एनायन है वो सफिशियंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इस डी को उठा करके क्या कर देगा, एनायन जनरेट कर देगा, डी प्लस उठेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कार्बन पर जा रहा है। अब हम जानते हैं बच्चों क्या, अगर कहीं पर एनायन का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे कि हमने कार्बिन के जनरेशन में देखा है, ये और लीविंग ग्रुप लगा हो तो लीव कर जाता है, लीव दोनों लोन पेयर्स को लेकर के इन इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या रह जाता है बच्चों, कार्बिन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है, क्या बन जाती है, कार्बिन बन जाती है इस तरह से।
ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि एनायन जनरेट हो गया और वहाँ पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ पर चांसेस क्या है बच्चों, हीटिंग पर, हीटिंग पर चांसेस हैं कि कार्बीन बन जाए। अब कार्बीन जब बच्चों फॉर्मेशन, यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या करेगी बच्चों, कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज है, इसके पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेस हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कर क्या रहा है बच्चों, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन सहित अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से, अपने एडजेसेंट वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन जो ये पड़ोसी कार्बन है उससे लगे हुए एच को विद इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है बुला लेता है, विद इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इधर कैटायन जनरेट होगा तो वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से ये इंसर्शन कहला रहा है, क्या कर रहा है, अपने एडजेसेंट के एच से इंसर्शन हो जा रहा है, ये दोनों, ये विद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है बच्चों, यहाँ पर, जब यहाँ पर जाएगा तो ये कैटायन जनरेट होगा, यहाँ पर लोन पेयर वो क्या बना लेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से ये एडजेसेंट के एच के साथ इंसर्ट होकर के क्या बना रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बेस चेंज होने से रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज हो गया, जो सोडियम मिथोक्साइड लिया है या फिनाइल सोडियम लिया है बच्चों, तो उनके प्रोडक्ट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, एक में एलिमिनेशन रिएक्शन जा रही है जबकि दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है, कार्बीन की तरह जा रही है। ये रिएक्शन किस तरह से जा रही थी बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह जा रही थी, इतना सफिशेंट बेस नहीं था ये, जबकि हमने क्या लिया बच्चों, फिनाइल सोडियम लिया है तो वो सफिशेंट बेस है, तो क्या करेगा, क्लोरीन जिस कार्बन से लेगा उस पर जो डी है उसको ऑफसेट कर लेगा। रीजन, क्योंकि जब बेस होता है तो स्ट्रोंगेस्ट जो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको ऑफसेट करता है, तो यहाँ पर डी को ये ऑफसेट कर लेगा, और वहाँ पर एनायन जनरेट हुआ तो कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चों, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से सी एल यहाँ से निकल करके बच्चों इस तरह एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है थ्रू कार्बीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट बच्चों, इस कंपाउंड में क्या होने वाला है, रिएक्टेंट आप थोड़ा सा पोज करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सोचो इसको, देखो क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों। ब्यूटाइल लिथियम एक सफिशेंट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो बच्चों कार्बन पर है, कार्बन पर तो ईजिली दूसरे को प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा कार्बन पर, एनायन वाले जो बच्चों बेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। रीजन क्या रहता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, जबकि ऑक्सीजन पर जो एनायन वाले हैं वो क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, लार्ज हो गई, तो इतना बेसिक नेचर उनकी नहीं है। तो ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम बच्चों, एन ब्यूटाइल लिथियम क्या है, ये स्ट्रक्चर है, कार्बन बेस का काम करेगा, और मैंने बताया बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या कर सकता है बच्चों, ये प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ से करेगा, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से कार्बन पर निगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया बच्चों, लिथियम प्लस वहाँ सिलेटेड है, तो क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव आउट कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया बच्चों, कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, कार्बीन बन गई है। अब बच्चों क्या करना है, कार्बीन क्या कर दिए, कार्बीन अपने 6 से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगी, किसी भी तरह 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कैसे पूरे किए थे बच्चों इसने, 8 इलेक्ट्रॉन इसने जो एडजेसेंट कार्बीन थी, एडजेसेंट के प्रोटॉन यहाँ से हाइड्राइड को अपनी तरफ ले लिया था इसने, विद इलेक्ट्रॉन ले लिया था, लेकिन हमने यहाँ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया वहाँ पर एडजेसेंट के कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप से, तब आप क्या करें, कार्बिन के पास कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भी किसी भी तरह आपने क्या करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। तो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से पूरे हो रहे हैं ये इसके देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बिन बच्चों कर क्या रहे हैं, कार्बिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो लेकिन इस मिथाइल पे जो हाइड्रोजन है इसको हमने इस तरह से लिखा CH, तो इसके साथ इंसर्शन करें, इंसर्शन रिएक्शन बच्चों इसमें देखेंगे कैसे, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बिन के पास, कार्बिन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एडजेसेंट वाले के पास तो थे नहीं, नेक्स्ट वाले के पास जो भी उसके नज़दीक आएगा उस हाइड्रोजन के पास, तो क्या कर रही है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सहित अपने पास बुला रही है। ये स्टेप्स जो हैं बच्चों ये जाते हैं कंसर्टेड, मतलब एक साथ होंगे, लेकिन मैं इनको ब्रेकआउट करके दिखा रहा हूँ। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन सहित इसने हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला लिया, तो यहाँ पर बच्चों ये 2 हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन जा करके ये हाइड्रोजन लग गया। अब इसके पास जो है बच्चों, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर बच्चों रहता है ये कार्बिन पर, लेकिन ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो ये दोनों स्टेप्स कंबाइंड वे में कहाँ पर दिखाए गए हैं बच्चों, यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि दोनों स्टेप क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म से गए, तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, इंसर्शन कह रहे हैं। क्या बन गए बच्चों, यहाँ पर जब इसने अटैक किया साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो कार्बिन इस तरह से इंसर्शन रिएक्शन देती है। रीजन क्या रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो
एडजेसेंट के हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला लेती है, जो भी एडजेसेंट मतलब जो भी उसके पास रहता है, जरूरी नहीं बॉन्डेड से पास हो, घूम करके जो भी क्लोज पोस्ट रहा होगा। तो इंसर्शन तो बच्चों हमने कई जगह देखा, जैसे कि ऐसे डायबोरेन में भी हम देखते हैं डायबोरेन BH3 नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्या करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन करे किस तरह से, वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या रही है sp2 हो रही होती है। जब BH3 की अकेले की बात की जाए तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है इसके पास, तो ये क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है इस बॉन्ड के साथ में, ऐसे ही इसका वैकेंट ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग इस तरह से, तो डायबोरेन में इस तरह से बनाना सेफ रहता है। हमने इससे पहले बच्चों डबल बॉन्ड के साथ तो रिएक्शंस देखी हैं, एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी भी तरह आपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगी, और एल्कीन में तो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो इधर कार्बोकैटायन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। साइक्लोप्रोपेन जो कि इसकी पहली वीडियो में हमने बात की है, या फिर बच्चों किस तरह की रिएक्शन कर सकती है, अगर कहीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको भी ये कार्बिन ले सकती है। अब हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का तो डबल बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर रही थी, या फिर क्या बन जाते हैं बच्चों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उनको भी ये क्या कर सकती है, स्टैक कर सकती है, ले सकती है और अपने 6 से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकते हैं नॉन बॉन्डेड मिल जाए तो। या फिर आप जो रिएक्शंस देख रहे हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बिन के पास, तो ये क्या करे पी ऑर्बिटल से इसको अपने अपने पास ले आ रही इन 2 इलेक्ट्रॉन को, जो कि यहाँ पर हम इस फॉर्म में बच्चों रिएक्शन की फॉर्म में इसको देख रहे हैं। यहाँ पर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इस तरह स्टेप बाय हमने देखा ये यहाँ चले गए तो यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर जाएगा, तो ये दोनों स्टेप्स क्या हो रहे होते हैं एक साथ ना हो रहे हैं कंसर्टेड मैनर में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ CH का इंसर्शन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों डाइजो कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों HNO दिया है, तो आपके एकदम दिमाग में अगर आपने जनरेशन वो कार्बिन पढ़ा है, अगर डाइजो कंपाउंड है या फिर हम HNO या फिर हीट या फिर क्या लिखते हैं रोहिडियम के कैटेलिस्ट और या फिर कॉपर के या फिर दूसरे भी हो सकते हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स हो दिए हों, तो क्या बताते हो N2 रिलीज कर देते हैं और क्या कर देते हैं कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर डाइजो कंपाउंड था, डाइजो कंपाउंड से क्या निकल जाएगा N2 निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया ये। अब कार्बिन क्योंकि हमने यहाँ पर ले लिया सोलवेंट साइक्लोहेक्सेन ले लिया है, सोलवेंट क्या ले लिया बच्चों साइक्लोहेक्सेन सोलवेंट हमने ले लिया है, तो साइक्लोहेक्सेन तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि ये चारों तरफ से सोलवेंट रहेगा इसके चारों तरफ, तो इसके पास काफ़ी परोक्सीमिटी में सोलवेंट इसके चारों तरफ होगा, तो इसको कहीं और से प्रोटॉन लेने की जरूरत नहीं है सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट काफ़ी एक्सेस में रहता है, तो वहीं से CH के साथ इंसर्शन रिएक्शन ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन बच्चों हमने क्या देखे CH इंसर्शन की रिएक्शंस देखी कि कार्बिन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने की वजह से क्या करती है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वो क्या कर लेती इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले रही है, इन दो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन सहित ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर लोन पेयर भी दे रही है। इस तरह से ये रिएक्शन क्या कहला रही है इंसर्शन, जो स्टेप बाय स्टेप हमने देखी थी ये यहाँ पर दिखाया गया इंसर्शन रिएक्शन जो कंसर्टेड मैनर में होती है। तो ये कुछ चीज़ें बच्चों कार्बिन किस तरह जनरेट होती है और कार्बिन किस किस तरह की, एक तो डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन बच्चों हमने देखी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लूजली 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलते हैं, तो कार्बिन इनसे अपना भूख को कंप्लीट करती है, भूख को कंप्लीट करती है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इस तरह से, या फिर कहीं पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब भी कार्बिन जो है इससे भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, या फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं इवन CH बॉन्ड के साथ भी इंसर्शन रिएक्शन ये शो कर रही है। तो बच्चों इसको एक बार फिर से इन रिएक्शंस को देखो और आगे फिर हम दूसरी वीडियो में कुछ और एडवांस कार्बिन की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों यही है, कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हमने वीडियो में देखा कि बच्चों बेस के चेंज करने से यहाँ से अगर प्रोटॉन उठाना है तो हमें क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, अदरवाइज क्या रिएक्शन हो जाएगी ये हेलो एल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो इनके लिए हमने चाहिए या तो बच्चों फिनाइल सोडियम लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए वहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना है, कार्बन पर एनायन बेस्ड या एन ब्यूटाइल लिथियम बेस लिया था,
तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तभी कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। और फर्दर वो क्या स्टेप कर रही है बच्चों, इंसर्शन रिएक्शन का फॉर्मेशन, इंसर्शन रिएक्शन कर रही है सी एच के साथ, वो इंसर्ट हो जा रही है।